हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आप में से ही एक क्यूट पाई ने मुझे आईजी पे डीएम किया है एंड मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि दी देखो, जो आर्या है, जो हमारी इंडिया की केपॉप आइडल है, उन्होंने तहयोंग को फॉलो किया हुआ है एंड इस वजह से ही उन्होंने अपने अकाउंट को प्राइवेट किया हुआ है। सो या वी विल नो अबाउट दिस एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि जो आर्या है, क्या वो बीटीएस के तहयोंग से या बीटीएस के किसी मेंबर से मिल चुकी है या मिलने वाली है। एंड आर्या का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने क्या बोला है बीटीएस मेंबर्स के बारे में, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो मुझसे आईजी पे कि जो हमारे इंडियन के पॉप आइडल है, क्या वो बीटीएस से मिल चुकी है, क्या वो बीटीएस से मिलने वाली है। बिकॉज एज वी ऑल नो कि ओब्वियसली वो के पॉप आइडल्स है, तो अब उनका एक साथ ही आना जाना भी होगा एंड काफ़ी कुछ होती है ना। तो आप मुझे कॉमेंट में बताओ कि ये क्वेश्चन कभी आपके मन में भी आया है या नहीं। वेल गाइस, आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, एंड अगर नहीं किया है तो जल्दी से के बेल का आइकन प्रेस कर लेना एंड जो ऑल का नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना। वेल मैं आपको बता दूं कि उस क्यूटी पाई ने मुझे बिल्कुल श्योर होके बोला है कि जो आर्या है उन्होंने तहयोंग को फॉलो किया हुआ है एंड इसलिए उन्होंने अपने अकाउंट को प्राइवेट किया हुआ है। सो यस, मैं यहाँ पे उनको बोलना चाहती हूँ कि जो आर्या है उनके जैसे, लाइक उनके अकाउंट के जैसे बहुत ज़्यादा बहुत सारे फेक अकाउंट बन गए हैं बिकॉज शी इज़ अ के पॉप आइडल नाउ। ओके, तो उनके बहुत से फेक अकाउंट बन चुके हैं, तो मे बी वो कोई फेक अकाउंट हो। वेल यस, मुझे लगता है कि वो एक फेक अकाउंट होगा। एंड इसके अलावा कि जो क्वेश्चन है, क्या आर्या तहयोंग से मिल चुकी है या किसी बीटीएस मेंबर से मिल चुकी है, तो इसका मैं जवाब देने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि आर्या का जो इंटरव्यू हुआ था ना सुषमा के साथ, तो वहाँ पे उन्होंने उससे एक क्वेश्चन भी पूछा था। आर्या से उन्होंने पूछा सुषमा ने कि क्या आपको बीटीएस पसंद है, तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि यस आई लव बीटीएस एंड मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। एंड ऑब्वियसली बीटीएस किसे पसंद नहीं होंगे, सभी को बीटीएस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड जब से हमारे इंडिया से केपॉप आइडल बनी है तब से तो इंडियन फैंस यही चाहती है कि कम से कम वो तो बीटीएस मेंबर से मिले, बिकॉज एज अ इंडियन बीटीएस मेंबर से मिलना, एज एन इंडियन बीटीएस मेंबर से मिलना एक बहुत ही अच्छी बात है ना। तो हमारे लिए अगर आइडल भी मिलती है तो तब भी हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगा। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि जो आर्या है वो बीटीएस की एक आर्मी है, एक फ़ैन है, उन्हें बीटीएस पसंद है एंड इन फ्यूचर वो बीटीएस मेंबर से मिल सकती है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि क्या वो तहयोंग से मिल चुकी है या वो किसी बीटीएस मेंबर से मिल चुकी है, तो इसका जवाब है नो, वो अभी तक किसी भी बीटीएस मेंबर से नहीं मिली है। हालांकि जो आर्या के कॉन्सर्ट है वो आ चुके हैं, तो आप जब भी कोई अवार्ड शो होगा जहाँ पे साथ में केपॉप आइडल्स जाएंगे तो वहाँ पे वो बीटीएस मेंबर से मिल सकती है। वेल, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।